हेलो फ्रेंड्स, पुष्पा क्रिएशंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए मल्टी कलर का फ्लावर वाला डिज़ाइन लेके आई हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं डिज़ाइन। फ्रेंड्स, इसमें फंदे हमने 4 के मल्टीपल प्लस 3 करके डालना है। ये 8 लाइनों का डिज़ाइन है। इसमें बेस कलर हमने लाइट कलर का रखना है, तभी ये खूबसूरत लगेगा। ये स्टार्ट करते हैं ट्यूटोरियल। इसमें फंदे मैंने 23 डाले हुए हैं। बॉर्डर बुनने के बाद हम सेकेंड कलर को इसमें अटैच करेंगे। ध्यान से देखिएगा, पहला फंदा हमने बेस कलर से बुनना है, यानी लाइट कलर से हमने एक फंदा सीधा बुनना है। अब दूसरा फंदा हमने ग्रीन कलर से बुनना है, सीधा बुनना है। इस फंदे को भी निकालना नहीं है, धागा अपनी तरफ करके दूसरी बार फिर से हमने इसी फंदे को सीधा बुनना है। इससे क्या है, हमारे एक फंदे से 3 फंदे बन गए। अब आगे हमने बेस कलर से 3 फंदे सीधे बुनने हैं, 2 3। उसके बाद फिर से हमने ग्रीन कलर से एक फंदा सीधा बुनना है, धागे को अपनी तरफ करना है और दूसरी बार फिर इसी फंदे को हमने सीधा बुनना है। इससे हमारे यहाँ पे 3 फंदे हो गए। फिर हमने 3 फंदे क्रीम कलर से बुनने हैं। इस तरह 4 फंदों में ये हमारा डिज़ाइन बनेगा। 3 फंदे क्रीम कलर से बुने, अब एक फंदा हमने फिर से ग्रीन कलर से बुनना है, धागे को अपनी तरफ करना है, दूसरी बार फिर इसी फंदे को हमने सीधा बुनना है। ऐसे हम पूरी रो को बनाएंगे। 3 फंदे हमने बेस कलर से बनाने हैं सीधे सीधे, और एक फंदा हमने ग्रीन कलर से। फिर एक फंदा हमने ग्रीन कलर से, धागे को अपनी तरफ करना है और दूसरी बार फिर हमने सीधा बुन लिया। इससे हमारे ये 3 फंदे हो गए, यानी 2 फंदे हमारे बढ़ गए हैं। इधर 3 फंदे हमने फिर से क्रीम कलर के बुनने हैं और एक फंदा हमने ग्रीन कलर से बुनना है सीधा, धागे को अपनी तरफ किया, फिर दूसरी बार फिर हमने सीधा बुन लिया। फिर 3 फंदे हमने लाइट कलर से बुने और एक फंदा हमने ग्रीन कलर से बुना, धागे को अपनी तरफ किया, दूसरी बार फिर इसी फंदे को हमने सीधा बुन लिया। अब ये लास्ट वाला फंदा है, ये हमने लाइट कलर से सीधा बुन लिया। इस तरह ये डिज़ाइन की हमारी फर्स्ट रो बनके कंप्लीट हो गई है। अब आते हैं बैक साइड पे। ये हमारे डिज़ाइन की सेकंड रो है। इसे बहुत ध्यान से देखना है। ये 3 फंदे ग्रीन दिख रहे हैं। पहला वाला फंदा हमने आगे लाना है और ये इस वाले फंदे को हमने यहाँ लाना है। दोनों फंदों को हमने सिलाई में ऐसे ले लिया। अब हमने क्या करना है, इस वाले फंदे में ऐसे सिलाई डाली और ग्रीन वाले फंदे को निकाल दिया और इसको निकाल के आगे ले आए। इससे क्या है, ग्रीन वाला फंदा आगे आ गया और लाइट कलर वाला फंदा पीछे चला गया। अब ये दोनों फंदों को हमने 2 का 1 कर देना है क्रीम कलर से। अब ये ग्रीन 3 फंदे थे, एक फंदा हमने बुन लिया है। बीच वाला जो है ग्रीन फंदा, इसको हमने ग्रीन कलर से ही बुनना है। अब ये तीसरा जो ग्रीन फंदा है और आगे वाला क्रीम कलर क्रीम वाला फंदा है, इन दोनों को हमने एक साथ बुनना है, ऐसे उल्टा बुन लेना है। फिर आगे वाला फंदा हमने लाइट कलर से बुनना है। अब ये फिर से ये जो 3 फंदे हैं, ये पहला वाला जो ग्रीन कलर का है, इसको हमने कैसे करना है, सिलाई में ऐसे ले लेना है।
अब इस वाले फंदे में, लाइट कलर वाले फंदे में सिलाई को ऐसे डालना है और ग्रीन वाला फंदा निकाल के आगे की तरफ से हमने लाना है और इस सिलाई में ऐसे डाल लेना है। फिर दो का एक कर देना है क्योंकि आगे हमारे फंदे बढ़ गए थे। अब बीच वाला जो ग्रीन फंदा है इसको हमने ग्रीन ही बुनना है। अब आगे के जो दो फंदे हैं दोनों का हमने एक कर देना है। इसमें हमने फंदे को पलटाना नहीं है, सीधे ही हमने इसको उल्टा बुन लेना है। फिर अगला फंदा हमने क्रीम कलर से बुनना है। अभी जो ग्रीन का पहला वाला फंदा है इसको हम पलटाएंगे ऐसे करके, ऐसे लेना है सिलाई में और ग्रीन वाले को हमने बाहर की तरफ लाना है और ये लाइट कलर वाले फंदे को अंदर की तरफ ले जाना है। ऐसे करके उतार के इसको हम आगे ले आए और फिर हमने ये दो का एक कर दिया। अब ये ग्रीन वाला फंदा है बीच वाला, इसको हमने ग्रीन बुनना है। अब आगे के दो फंदे हमने दो का एक कर देना है। ऐसे ये हमारी लीव्स बनती रहेंगी। इससे पूरी रो में तीन लाइट कलर का फंदा होगा और एक ग्रीन कलर का। अब ये जो फंदे हैं, ग्रीन वाला फंदा है, इन दोनों को हमने सिलाई में ऐसे ले लेना है। अब लाइट कलर वाले में ऐसे सिलाई डाल के हमने और ग्रीन वाले फंदे को निकाल के आगे ले आएंगे। अब दोनों को एक साथ हमने दो का एक कर देना है। अब ये बीच वाले फंदे को हमने ग्रीन बुनना है। अब ये जो लास्ट ग्रीन वाला फंदा है और आगे का लाइट कलर का फंदा है, इन दोनों को हमने दो का एक कर देना है। ऐसे आगे के दो फंदों को हमने सिलाई में ऐसे ले लेना है और लाइट कलर के फंदे को सिलाई में ऐसे लेके ग्रीन वाले फंदे को हमने निकाल देना है और इसको उठा के हमने आगे ले आएंगे ऐसे। अब ये दो का एक कर देना है। ये जो बीच में ग्रीन फंदा है, बीच में जो ग्रीन फंदा है इसको हमने ग्रीन बुनना है। अब आगे के जो दो फंदे हैं इन दोनों को हमने दो का एक कर देना है। अब ऐसे आगे के दो फंदे हैं, दोनों को हमने ऐसे उतार के सिलाई को ऐसे डाल के और ग्रीन वाले फंदे को हम आगे ले आएंगे और इसको हमने दो का एक कर देना है। ये जो बीच में ग्रीन फंदा है इसको हमने ग्रीन कलर से बुनना है। अब लास्ट के जो दो फंदे हैं इसको हमने दो का एक कर देना है। इससे डिज़ाइन की हमारी सेकंड रो भी बन के कम्प्लीट हो गई है। अब आते हैं थर्ड रो पे। अब हमारे डिज़ाइन की थर्ड रो है। अब यहाँ पे हम फ्लावर बनाएंगे। फ्लावर हमने तीन फंदों में बनाना है। ये ग्रीन फंदा है, ये बीच में रहेगा, ये वाला और ये वाला, यानी तीन फंदों में हमने फ्लावर बनाएंगे। आप कोई भी कलर ले सकते हैं, येलो, पिंक, उसके बाद एक फंदा हमने उतार लेना है, इसको बुनना नहीं है। फिर आगे ऐसे तीन फंदों में हम रेड कलर, पिंक कलर, ये लोग कुछ भी लगा सकते हैं आप। उसके बाद एक फंदा हमने उतारना है, फिर ये तीन फंदे हमने पिंक कलर से बुनने हैं। एक फंदा हमने उतार लेना है। ये ग्रीन कलर बीच में आएगा, इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो ग्रीन वाला फंदा है ये तीन फंदों के बीच में आएगा। एक, दो, तीन, तीन फंदे हमने पिंक कलर से बुने।
एक फंदा हमने उतार लिया, इसको बुनना नहीं है। ऐसे ही पूरी रो को हम ऐसे बुनेंगे, तीन फंदे, ये फ्लावर वाला कलर है हमारा, और एक फंदा हमने उतारना है। इस तरह डिज़ाइन की हमारी थर्ड रो भी बन के कम्प्लीट हो गई है। अब आते हैं फोर्थ रो बैक साइड पे। ये हमारी फोर्थ रो है। फोर्थ रो में हमें क्या करना है, जो फंदे हमने बुने थे वो तो हमने बुनने हैं। ये तीन फंदों को हमने उल्टा बुना, जो उतारा था फंदा उसको उतार लेंगे। फिर तीन फंदों को हमने उल्टा बुना, उतारे वाले फंदों को ऐसे उतार लेंगे, तीन फंदों को हम उल्टा बुनेंगे। इन दो रोज में हमारा फ्लावर बन के कम्प्लीट हो जाएगा। तीन हमने उल्टे बुनने हैं, और जो उतारा था फंदा है इसको उतार लेना है, बुनना नहीं है। और तीन फंदों को हमने उल्टा बुनना है। इस तरह डिज़ाइन की हमारी फोर्थ रो भी बन के कम्प्लीट हो गई है। अब आते हैं फिफ्थ रो पे राइट साइड। अब राइट साइड में हमने क्या करना है, जो तीन फंदे थे पिंक कलर के, इसको हमने, ये डिज़ाइन हमारा फिर से रिपीट हो रहा है पर थोड़ा सा चेंज होगा इसमें। तीन फंदे हमने, ये हमारा बेस कलर है, इससे बुनना है। जो एक सिंगल फंदा है इसके हमने फिर से हरे फंदे से बुनना है। एक फंदे के हमने तीन बनाने हैं। सीधा बुना, धागा अपनी तरफ किया, फिर से सीधा बुना, एक फंदे के हमने तीन फंदे बना लिए हैं। इन तीन फंदों को हमने सीधा बुनना है। जो एक फंदा है इसके हमने ग्रीन कलर से सीधा बुना, धागा अपनी तरफ किया, और फिर से इसी फंदे को हमने सीधा बुन लिया। फिर आगे क्रीम कलर से हमने तीन फंदे सीधे बुने, जैसा हमने फर्स्ट रो में बुना था। फिर एक फंदे के हमने तीन फंदे बनाने हैं। सीधा बुना, धागा अपनी तरफ किया, दूसरी बार फिर इसी फंदे को हमने सीधा बुन के इसको ऐसे निकाल दिया। ऐसे हम पूरी रो को ऐसे ही कंप्लीट करेंगे। इस तरह ये हमारी फिफ्थ रो बन के कम्प्लीट हो गई है। अब आते हैं सिक्स रो पे। क्रीम कलर से हमने ये दो फंदे, पहले हमने दो फंदे उल्टे बुने हैं। ये हमारी बैक साइड है। अब ये तीन फंदे ग्रीन दिख रहे हैं, अब ये हमने दो फंदों का एक करना है। तो इसके लिए हमने क्या करना है, ग्रीन वाले फंदे को आगे लाना है और जो क्रीम कलर का फंदा है उसको इस वाले जगह पर लाना है। इसके लिए हमें क्या करना है, पहले दो फंदों को सिलाई में ऐसे ले लेंगे, फिर सिलाई को क्रीम कलर का जो फंदा है इसमें सिलाई डालेंगे ऐसे, और हरे वाले फंदे को निकाल के आगे से ले आएंगे इस फंदे को। अब हमने ये दो का एक कर देना है। अभी बीच वाला जो ग्रीन कलर का फंदा है इसको हमने उल्टा बुनना है। अब इस वाले फंदे को और आगे दोनों फंदों को एक साथ हमने उल्टा बुनने लेना है ऐसे। फिर से ये जो तीन फंदे आ गए हमारे पास, आगे के दो फंदों को ऐसे सिलाई से ऐसे उतारना है। इस सिलाई को क्रीम कलर का जो फंदा है इसमें ऐसे डालना है और हरे वाले फंदे को निकाल देना है। आगे की साइड से इस फंदे को आगे सिलाई में ऐसे डाल लेना है। अब दो का एक कर लेना है। बीच में जो ग्रीन फंदा है इसको हमने उल्टा बुनना है। अब आगे जो दो फंदे दो का एक करेंगे इसमें सीधे हम फंदे को दो का एक ऐसे कर देंगे। फिर उससे अगले फंदे को भी हमने क्रीम कलर से बुनना है। इस तरह आप देखेंगे कि तीन क्रीम कलर के फंदे आ रहे हैं और एक ग्रीन कलर का है।
फिर से ये दो फंदे हैं, सिलाई में ऐसे लेना है और सिलाई को ऐसे डाल के हरे फंदे को निकाल के आगे की तरफ से हमने सिलाई में ऐसे डालना है, फिर दो का एक कर देना है। बीच वाले फंदे को हमने ग्रीन कलर से बुनना है। आगे के दो फंदे हैं, दो का एक कर देना है क्योंकि ग्रीन कलर के फंदे हमारे आगे की साइड में दो बढ़ गए थे। फिर से ये दो फंदे हैं, ग्रीन कलर का जो आगे वाला फंदा है इसको हमने ऐसे लेना है, सिलाई को ऐसे डालना है और ग्रीन वाले फंदे को हमने निकाल देना है और उठा के सिलाई से आगे की तरफ इस सिलाई में ऐसे डालना है। अब दो का एक हमने कर देना है ऐसे। बीच वाले फंदे को तो हमने ग्रीन बुनना है, ये दो फंदों का हमने दो का एक कर देना है ऐसे। अब फिर से ये दो फंदे हैं, दो का हमने एक करना है। ये जो ग्रीन कलर के तीन फंदे हैं, आगे वाले फंदे को हमने इस तरह करना है, सिलाई में ऐसे लेना है और ग्रीन वाले फंदे को ऐसे निकाल देना है, इस सिलाई से उठा के वापस इस सिलाई में ऐसे डाल देना है और ये दो का एक हमने ऐसे बुन लेना है। बीच वाले फंदे को हमने ग्रीन कलर से बुनना है। आगे के जो दो फंदे हैं, दो का एक करना है हमने लाइट कलर से। इस तरह डिज़ाइन की हमारी 6 रो भी बन के कम्प्लीट हो गई है। इन दो लाइनों में हमारी लिप्स बनी हैं, ये आपको दिखाई दे रही होंगी। अब यहाँ पे हमने फ्लावर बनाना है। आप चाहें तो इसी कलर का फ्लावर बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने ऑरेंज कलर लगाया है। अब हमें देखना है कि कैसे हमने बुनना है। इन तीन फंदों में हमारा फ्लावर बनेगा, ये तीन फंदों में फ्लावर बनेगा। एक फंदा हम उतारेंगे तो उससे ये पहला वाला फंदा हमने ऑरेंज कलर से बनाना है। एक फंदा हमने उतारना है, इसको बुनना नहीं है। अब ये तीन फंदों में हमारा फ्लावर बनाएंगे हम ऑरेंज कलर से, तीन। एक फंदा हमने उतारना है, इसको बुनना नहीं है। अब ये तीन फंदों में हमने फ्लावर बनाना है। अब एक फंदा हमने उतार लिया है। अब तीन फंदे जो हम ऑरेंज बुनेंगे उसमें बीच वाला फंदा जो है ग्रीन कलर का वो ज़रूर आना चाहिए बीच में, दो ये तीन। एक फंदा हमने उतार लिया है। अब ये तीन फंदे हमने ऑरेंज बुनने हैं, ग्रीन वाला फंदा हमारा बीच में है, एक दो तीन। एक फंदा हमने उतार लिया है। अब ये तीन फंदों को हमने ऑरेंज कलर से बुनना है, ग्रीन कलर वाला फंदा बीच में आना चाहिए। एक फंदा हमने उतार लिया है और अगला फंदा हम ऑरेंज से बुनेंगे। इस तरह डिज़ाइन की हमारी ये 7th रो भी बन के कम्प्लीट हो गई है। अब आते हैं 8th रो बैक साइड पे। बैक साइड पे हमें क्या करना है, जो फंदे हमने बुने थे उनको हम बुनेंगे, जो उतारे थे फंदे उनको उतारना है, बुनना नहीं है। इस तरह पूरी रो में हमने क्या करना है, तीन फंदे हमने ऑरेंज कलर से उल्टे बुनने हैं और लाइट कलर वाला फंदा हमने उतार लेना है। तीन फंदे हमने उल्टे बुनने हैं और एक फंदा हमने उतार लेना है। तीन फंदे हमने उल्टे बुने, एक उतारा।
इस तरह एयर थ्रो भी बन के हमारी कंप्लीट हो गई है। इसके साथ ही डिज़ाइन भी हमारा बन के कम्प्लीट हो गया है। बहुत खूबसूरत डिज़ाइन है, बहुत आसान डिज़ाइन है, इसको कोई भी आसानी से बना सकता है। एक बार ट्राई ज़रूर करिए। बस आगे आपने यही 8 लाइनें आगे रिपीट करती जानी है। आगे हमने कैसे स्टार्ट करना है वो बता देती हूँ। ये क्रीम कलर से ये पहला फंदा हमने सीधा बुनना है। जो एक फंदा है इसके हरे रंग से एक के हमने 3 फंदे बनाने हैं, जैसे कि हमने फर्स्ट रो में बनाया था। ऐसे हम पूरी रो को ऐसे बनाते जाएंगे। फिर 3 फंदे हमने क्रीम कलर से बनाने हैं, एक फंदा हरे रंग से बनाना है, एक के 3 करने हैं। फिर 3 फंदे हमने क्रीम कलर से बनाने हैं और एक फंदा हमने हरे रंग से बनाना है, एक के हमने 3 फंदे बनाने हैं। इस तरह हम फर्स्ट रो की तरह पूरी रो को ऐसे स्टार्ट करेंगे। इस तरह ये डिज़ाइन बन के तैयार हो जाएगा। बहुत सुंदर डिज़ाइन है, बच्चों के लिए बहुत ही सुंदर लगेगा। एक बार ट्राई ज़रूर करिए। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।